So let's start with a very important topic, that is equivalent circuit of the transformer. Transformer का equivalent circuit की क्या requirement है, क्या जरूरत है, ये सबसे पहले बच्चों हमको समझना है. Equivalent circuit होता क्या है, क्या वो transformer का ही circuit है जो हमने बनाया था या उससे कुछ अलग है. पहले ये समझ लें कि हम लोग transformer का circuit बनाने वाले हैं या उसका उससे मिलता जुलता कुछ circuit बनाने वाले हैं या उसमें कुछ नई चीज़ें कुछ करने वाले हैं. तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि इक्विवेलेंट सर्किट कुछ अलग से सर्किट नहीं है, उसके अंदर वही चीज़ें हैं जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं. बेसिकली बस इसके अंदर दो चार पैरामीटर ऐड हो जाते हैं. इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि दोनों रूप से समान, मतलब जहाँ पर इक्विवेलेंट मतलब व्हेन दिस विल बी इक्वल टू दिस, यस और नो, मतलब दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, ऐसे ही होगा. मतलब ये साइड इक्वल किसके होगा, इस साइड के इक्वल होगा. तो दिस इज कॉल्ड द इक्वल, और यहीं से इक्विवेलेंट डायग्राम बनता है. आप समझिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया विद द हेल्प ऑफ द टू हैंड्स कि ये साइड किसके इक्वल होनी चाहिए, ये साइड. तो साइड का मतलब है व्हेन दिस प्राइमरी पैरामीटर विल बी इक्वल टू द सेकेंडरी पैरामीटर, हाउ विल बी इक्वल, दैट विल बी अंडरस्टैंड बाय द दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज अ इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर. बेटा समझिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम ट्रांसफार्मर को ड्रॉ करते हैं तो हमको पता है कि सर इसमें सबसे पहले हम बनाते हैं वाइंडिंग, और एक इस तरह की वाइंडिंग हम बना लेते हैं. बनाते हैं ना बच्चों, बिल्कुल ऐसा हम एक वाइंडिंग बना लेते हैं. ध्यान से समझिएगा, बहुत आराम आराम से समझाऊंगा मैं इसको. इस वाइंडिंग के एक तरफ प्राइमरी सर्किट है और दूसरी तरफ सेकेंडरी सर्किट है, या फिर मैं बोलूँ एक तरफ सोर्स है और दूसरी तरफ लोड है. क्लियर है? अब प्राइमरी सर्किट के अंदर कौन कौन से पैरामीटर हो सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा. प्राइमरी सर्किट के अंदर हमारे पास, आप ही बताइए, आपको सबको पता है कि सर प्राइमरी में रेजिस्टेंस होगा, होगा बच्चे. दूसरा क्या होगा सर, इंडक्टर होगा, वेरी गुड, क्योंकि एसी सर्किट है, वेरी गुड. और क्या होगा सर इसके अंदर, सर एक इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी कि सर एक प्राइमरी के अंदर नो लोड करंट भी होता है. अब वो करंट कैसे फ्लो होता है देखिएगा बेटा, ये फ्लो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो करंट फ्लो होता है वो नो लोड करंट फ्लो होता है बेटा. और इसके दो कंपोनेंट होते हैं, पहला कंपोनेंट होता है क्या सर, पहला कंपोनेंट होता है एक्टिव कंपोनेंट और सर दूसरा होता है रिएक्टिव कंपोनेंट. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वो करंट कहाँ से फ्लो होता है बेटा, वो करंट हमारा प्राइमरी में ही फ्लो होता है. किसमें फ्लो होता है सर, प्राइमरी में ही फ्लो होता है. ठीक है, आप देखिएगा ये करंट जब हमारे पास यहाँ से आईपी करंट हमारे पास आ रहा है, लेकिन ये कब आएगा बेटा, जब यहाँ पर मैंने सोर्स लगा दिया बीपी, बीपी मतलब प्राइमरी वोल्टेज. जब मैंने यहाँ पर प्राइमरी वोल्टेज अप्लाई किया तो ये मैंने एज्यूम कर लिया, बिकॉज ये रेजिस्टेंस मेरा प्राइमरी साइड में है, तो मेरा आरपी इज अ प्राइमरी रेजिस्टेंस और XP इज अ प्राइमरी रिएक्टेंस, ये मैं कह सकता हूँ. अब ये करंट जब मेरा आगे आएगा, मैंने बताया था दिस प्राइमरी करंट विल बी इक्वल टू, आपको याद होगा, तो नो लोड करंट प्लस वन एक्स्ट्रा करंट, एक एक्स्ट्रा करंट उसके अंदर मैंने बताया था, इट विल ऑल्सो बी इंड्यूस्ड. कैसे बताया था कि सर इसके अंदर एक करंट होगा दैट इज कॉल्ड द नो लोड करंट, और यहाँ पर कुछ एक करंट होगा जिसको मैं बोल देता हूँ दैट करंट विच इज कमिंग फ्रॉम द प्राइमरी साइड, जो प्राइमरी साइड से आया होगा. ये क्लियर है? अब देखिएगा यहाँ पर कि आपका जो करंट है ये इसमें दो कंपोनेंट थे, पहला कंपोनेंट था आई डब्ल्यू और आई सी, इसको मैंने आई सी भी कहा था, और यहाँ पर ये कंपोनेंट था आई एम, इसको मैंने मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट भी कहा था. ये कंपोनेंट मेरा एक्टिव कंपोनेंट था और ये मेरा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट था, और ये मेरा जो रेजिस्टेंस है बेटा ये नो लोड रेजिस्टर है, और यहाँ पर मैंने एक एक्स नॉट नो लोड रिएक्टेंस है. दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ दिस नो लोड करंट. ओके, ये प्राइमरी सर्किट सब क्लियर है. चलिए अब देखिएगा बेटा कि यहाँ पर जो आपका वाइंडिंग है यहाँ पर कौन सा वोल्टेज होगा सर, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा सर ई पी डैश होगा. ई पी डैश क्या होगा, इसे एंटी फेज वोल्टेज टू द सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज मैंने मान लिया ई एस होगा. ये आपका कौन सा वाइंडिंग है सर, ये मैंने एन पी ले लिया,
और ये NS ले लिया बेटा। MP मतलब P stands for primary, N stands for secondary। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए अब अभी मेरा सेकेंडरी सर्किट मैंने ऐड नहीं किया है, अब मैं क्या करूंगा इसमें सेकेंडरी सर्किट ऐड करूंगा। सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में सर एक रेजिस्टेंस होगा और यहाँ भी एक सर एक इंडक्टर होगा। ये मेरा सेकेंडरी सर्किट होगा कि नहीं होगा, कितने लोग इस बात को मानते हैं? सभी मानते हैं, वेरी गुड। इसके अंदर ये मैंने आर एस लिख लिया और इसको एक्स एस लिख लिया। तो हमारे पास देखिए पैरामीटर, देखिए किसी भी सर्किट के अंदर ये प्राइमरी में ये सारे कंपोनेंट है और सेकेंडरी में ये कंपोनेंट है। अब यहाँ पर मेरे को क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ मिल रहा है मुझे वी एस। क्या मिल रहा है मुझे? वी एस, एस स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी वोल्टेज। ये क्लियर है? अब देखिएगा यदि मैं इस चीज़ को एक बार और समझा दूँ आपको कि बेटा ये कुछ नहीं है, बस एक पैरामीटर को कैसे इक्वल करते हैं वो समझ रहे हैं। फेजर डायग्राम हमने पढ़ लिया है तो हमें ये समझ में बहुत जल्दी आने वाला है। प्राइमरी में हमने आरपी है, एक्सपी है, आईपी डैश है, ये कंपोनेंट, एक नो लोड करंट है, आर नॉट है, एक्स नॉट है, आपके पास यहाँ पर ईपी डैश है, यहाँ पर एनपी है, एनएस है, ईएस है, आरएस है, एक्सएस है। अब देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारा ये कंपोनेंट जो है आरएस है, एक्सएस है, यदि मैं इस सेकेंडरी से उठाकर यहाँ पर रख लूँ, लेकिन इसका एक तरीका है, इसको बोलते हैं व्हेन सम पैरामीटर इज कमिंग फ्रॉम द सेकेंडरी साइड एंड रिफर टू द प्राइमरी साइड। फॉर एग्जाम्पल यदि ये रेजिस्टेंस यहाँ से आएगा तो इसका एंटी फेस रेजिस्टेंस, आपको मैंने बोला था एंटी फेस करंट, जैसे आई एस का एंटी फेस करंट आई एस डैश था, आई एस डैश जो करंट वो था जो सेकेंडरी करंट था, लेकिन रिफर्ड किसमें हुआ था? प्राइमरी में। आपने देखा होगा मैंने जब लैगिंग और लीडिंग बनाया था तो लैगिंग में आई एस करंट था और लीडिंग में, लैगिंग में मतलब नीचे की तरफ जब आई एस बनाया था उसका एंटी फेस मेरा ऊपर बना था और उसका क्या लिखा था उसको लिखा था आई एस डैश। आई एस डैश जो करंट था वो था सेकेंडरी करंट रिफर टू द प्राइमरी साइड। अब देखिए सिमिलरली यदि इस सर्किट को मैं यहाँ पर लेके आऊँ तो इसका मतलब होगा कि मैंने ये पूरा सर्किट प्राइमरी में रिफर कर दिया। मतलब इतने भी कंपोनेंट थे, मतलब फॉर एग्जांपल यदि आप दो घर में रह रहे हैं, घर एक्स और घर वाई, घर में वाई में से रह के आपने पूरा यदि एक्स में शिफ्ट कर दिया है तो आप, लेकिन वाई के वाई घर वाले ही थे ना, ऐसा तो नहीं था कि आपका चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कहीं पर, मैं भोपाल में रहता हूँ और मैं कहीं पर जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो लेकिन मैं भोपाल का ही कहलाऊँगा ना, मैं ऐसा तो नहीं कहलाऊँगा कि सर मैं उस जगह का हो गया, नहीं, बिकॉज आई एम लिविंग एट भोपाल। सिमिलरली ये पैरामीटर हमारे सेकेंडरी में है तो कहलाएंगे ये सेकेंडरी पैरामीटर, लेकिन ये जब रिफर्ड होंगे प्राइमरी में तो दूसरे घर में आएंगे तो कहलाएगा रिफर्ड टू द प्राइमरी साइड। ये समझ लीजिए बस, इसको बोलते कैसे हैं, जैसे मैं बोलूँ कि आर एस डैश, बेटा आर एस डैश को बोलेंगे सेकेंडरी रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड, ऐसे ही एक्स एस डैश को बोलेंगे सेकेंडरी रिएक्टेंस रिफर टू प्राइमरी। ये जो पैरामीटर है इनको बोलते हैं रिफर्ड करके। यदि मैं आर पी डैश लिखूँ, क्या लिखूँ बेटा? आर पी डैश। अब पैरामीटर क्या होगा सर? प्राइमरी रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी, मतलब अब ये रेजिस्टेंस आप यहाँ पर रिफर्ड कर लीजिएगा। बात एक ही है, समझ में आ रहा है? तो इसको समझ लीजिए कि हम इसको बोलते कैसे, इसकी टर्मिनोलॉजी इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में क्या करते हैं। अब देखिएगा बेटा यदि अब मैं इस पूरे सर्किट को यहाँ पर रिफर करूँगा तो देखिएगा ये एक सर्किट कैसा दिखने वाला है, बहुत मज़ेदार दिखने वाला है मेरे लिए तो, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है? देखिए अब मैंने क्या किया, ये सर्किट का जो सेकेंडरी का पार्ट था वो हटा दिया है। हटने के बाद हम कैसे बनाना है, देखिए मैंने पूरा सर्किट सेकेंडरी सर्किट को कहाँ शिफ्ट करना है सर? यहाँ पर शिफ्ट करना है, प्राइमरी में शिफ्ट करना है। तो इसका मतलब मेरी वाइंडिंग बेटा कहाँ बनेगी सर? वाइंडिंग तो यहाँ बनने वाली है सर, कहाँ बनेगी जब, क्योंकि मेरा पूरा यहाँ पर शिफ्ट पार्ट कौन सा हुआ, शिफ्ट हुआ यहाँ पर, तो यहाँ क्या क्या आ जाएगा सर? यहाँ आ जाएगा एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर आ जाएगा सर। अब ये रेजिस्टेंस कौन सा था मेरा बेटे? ये रेजिस्टेंस था मेरा आर एस और ये कौन सा था? एक्स एस। लेकिन ये अब कहाँ आ गया? प्राइमरी में आ गया, तो मैंने ऊपर डैश लगा दिया इसको, ठीक है बेटे? यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर मैंने एक वाइंडिंग यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये क्लियर है? चलिए अब देखिएगा यहाँ पर क्या बचा, इस वाइंडिंग में क्या बचा? कुछ नहीं सर, यहाँ तो ये रेजिस्टेंस चलेगा छोड़ के हमको, ये रेजिस्टेंस सारे छोड़ के हमको चलेगा प्राइमरी के घर में, प्राइमरी घर में चले गए तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा सर, यहाँ बस हमको वी एस बचा, यहाँ क्या बचा? वी एस। ये समझ में आ गया? यहाँ से उठ के आर एस और एक्स एस कहाँ ट्रांसफर हो गए सर? प्राइमरी में हो गए। इसको ट्रांसफर नहीं बोलते इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में, बोलते हैं रिफर्ड हो गए।
कहाँ बोलते हैं सर, सर रिफर्ड हो गए, अब यहाँ से उठ के यहाँ रिफर्ड हो गए। अब देखिएगा सर क्या होने वाला है, होने ये वाला है कि यदि ये पैरामीटर हमारे यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएंगे तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? फर्क पड़ेगा क्या? सर नहीं पड़ना चाहिए फर्क। क्यों नहीं पड़ना चाहिए? क्योंकि हम इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ रहे हैं। और किस में फर्क नहीं पड़ना चाहिए? सर फर्क पड़ना नहीं चाहिए इनके लॉसेस में, इनके इनमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हमारे पास यदि लॉसेस कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा सर? डेरिवेशन पे थोड़ा सा हम ध्यान दें तो डेरिवेशन कैसे निकालेंगे? इससे पहले वाले में जब हमारा ये आर एस डैश जब यहाँ था, ये यहाँ था, तो यहाँ पर करंट कौन सा फ्लो हो रहा था सर? सर आई एस करंट फ्लो हो रहा था। और वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर जो हमारा करंट था और लॉस थे वो क्या होता सर? आई एस स्क्वायर आर एस थे सर। यही था क्या? बिल्कुल था, क्योंकि ये जब यहाँ पर थे तो हमारे सेकेंडरी में लॉसेस आई एस स्क्वायर आर थे। अब लेकिन इसके ये यहाँ पर शिफ्ट होने पर, इसके प्राइमरी में शिफ्ट होने पर कोई फर्क पड़ेगा? सर पढ़ना तो नहीं चाहिए। कैसे पता चलेगा सर? यहाँ का जो लॉस है, ये जो लॉस है वो हमको पता चल गया। कैसे पता चलेगा सर? सर उसको पता चलेगा सर ऐसे कि हम आई पी डैश का स्क्वायर आर एस डैश जब मेरा इसके इक्वल हो जाएगा तब मैं समझूंगा कि सर ये ठीक है, अब ये इक्विवेलेंट है मेरे के लॉसेस, यहाँ पर लॉसेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तब तो मेरा काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आई पी डैश करंट, ये कौन सा करंट है सर? ये तो सेकेंडरी करंट था ना भाई, तो ये तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए सर। तो यहाँ से यदि मैं आर एस डैश की वैल्यू निकालू भैया, कैसे निकालेंगे सर? कुछ नहीं है सर, आई एस अपॉन आई पी डैश स्क्वायर इन टू आर एस। आप देखना भैया, आई एस अपॉन आई पी किसके इक्वल होता है सर? एन पी अपॉन एन एस के इक्वल होता है। तो हम इसको क्या ले सकते हैं भैया? इसको लिखेंगे सर एन पी अपॉन एन एस का होल स्क्वायर इन टू आर एस। यहाँ तक समझ में आ गया भैया? यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए यदि यहाँ तक समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। ये वैल्यू निकल गई हमारी आर एस डैश की। किसकी निकली है भैया? आर एस डैश की। क्या ऐसे ही वैल्यू हम एक्स एस डैश की निकाल पाएंगे? सर निकाल पाएंगे, क्योंकि दोनों ही रिएक्टेंस है, दोनों ही रेजिस्टेंस है। भैया देखिए, यहाँ पर एक्स एस डैश यदि मैं निकालूँ, यदि एक्स एस डैश निकालूंगा तो डायरेक्ट वैल्यू लिख लूंगा। क्या लिखूंगा सर? वो भी यही होगा एन पी अपॉन एन एस का स्क्वायर इन टू एक्स एस। यहाँ तक किसी को देखो कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं है। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे सर? अब हमें इक्विवेलेंट पैरामीटर निकालना है। इक्विवेलेंट मतलब जब ये पूरा रेजिस्टेंस उठ के सर प्राइमरी में आ गया तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा सर? तो कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट के लिए सर? आर पी बार, इसको क्या बोलते हैं सर? इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड बोलते हैं। जब ये निकालेंगे तो सर कैसे निकालेंगे? सर देखिएगा, आर पी प्लस आर एस डैश क्या होगा? आर पी प्लस आर एस डैश आपका आर पी प्लस आर एस डैश यही होगा कि नहीं होगा? सोच लो, समझ लो, समझ में आ रहा है? चलिए यदि यही होगा तो आर एस डैश में भैया आपने एक चीज और देख ली होगी, अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। दो मिनट देखिए बेटा, फिर हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग करने वाले थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है भैया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? प्राइमरी का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ मैं, अभी रिएक्टेंस नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। अभी मैंने बोला है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कौन से है सर? आर पी है और आर एस डैश को मैंने ऐड कर दिया। आर एस डैश की वैल्यू मैंने क्या निकाली है भैया? थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो आर पी प्लस एन पी अपॉन एन एस का होल स्क्वायर इन टू आर एस, ये वैल्यू होगी आरपी बार की। बार मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड। और एक्सपी बार यदि मैं निकालू बच्चे तो वो क्या होगा, जल्दी बताओ सर? ये होगा एक्स एस डैश प्लस एक्सपी। सर ये क्या होगा? एक्सपी प्लस क्या होगा, जल्दी बताइए? यहाँ पर एक्स एस डैश क्या होगा सर? ये होगा एक्स एस एन पी अपॉन एन एस का स्क्वायर। सर यही चीज़ है, बस यही चीज़ बताने वाला हूँ। ये कुछ फॉर्मूले याद रख लेना बस, आपको इस पर एक न्यूमेरिकल भी करेंगे हम, आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और अच्छी तरह से कि इक्विवेलेंट सर्किट में हम करते क्या हैं, ठीक है ना? अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, ठीक है? ऐसे यदि कोई बोलता है कि सर आपको सेकेंडरी से प्राइमरी में रिफर करना है या प्राइमरी से सेकेंडरी में रिफर करना है, यदि प्राइमरी से सेकेंडरी रिफर करना है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर।
बस कुछ नहीं करना है बच्चों, बस इतना सा काम करना है कि अब यदि फॉर एग्जाम्पल आपका ये प्राइमरी सर्किट उठ के सेकेंडरी में आ जाता तो क्या चेंज होता। सर बस एक चीज चेंज होने वाली थी कि हमारे हमने निकाला था आरपी पैरामीटर, अब यहाँ एक्सपी बार निकाला था तो इसकी जगह हो जाएगा क्या हो जाएगा सर, इसकी जगह निकालेंगे हम लोग क्या निकालेंगे जल्दी बताओ, इसी निकालेंगे सर एक्सेस बार, इसी जगह क्या निकालेंगे हम एक्सेस बार निकालेंगे। ऐसा ही हमने यहाँ पर आरपी बार की जगह क्या निकालेंगे सर आर एस बार। अब देखिएगा आप थोड़ा सोचिए ध्यान से, यदि मुझे ये दो फॉर्मूले निकालने हैं, कौन कौन से निकालने हैं आर एस बार और एक्स एस बार, तो ये कैसे निकलेंगे सर कैसे निकलेंगे। यहाँ पर क्या था बस देखिए इतना याद रख लीजिए, यहाँ पर क्या था आर पी प्लस आर एस डैश, तो ये क्या हो जाएगा सर, सर ये हो जाएगा आर एस प्लस आर पी डैश, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा सर, यहाँ भी एक्स एस प्लस एक्स पी डैश। अब एस एक्स और एक्स पी डैश का क्या होगा सर, अंतर इतना आएगा कि आर पी डैश का फॉर्मूला कैसे कहलाएंगे सर, सर एन पी अपॉन एन एस था, यहाँ हो जाएगा सर एन एस अपॉन एन पी, क्या हो जाएगा सर ये एन एस अपॉन एन पी का स्क्वायर इंटू आर पी। और ये क्या हो जाएगा सर एक्स पी डैश, एक्स पी डैश क्या हो जाएगा सर, सर ये हो जाएगा एन एस अपॉन एन पी का स्क्वायर इंटू एक्स पी। बस यही फॉर्मूले है, छोटे से फॉर्मूले याद रख लीजिएगा, बहुत सिंपल है याद रखना, यदि एक कॉन्सेप्ट याद हो गया तो ये तो छोटी सी चीज़ है, बहुत अच्छी तरह से आप याद रख लोगे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। बस क्या करना है, पी की जगह एस और एस की जगह पी, कुछ नहीं करना है, पी की जगह एस और एस की जगह पी कर दीजिए, ये फॉर्मूले याद रख लीजिए। और एक ट्रिक है, ट्रिक यह है भैया, ट्रिक है एस की जगह पी, पी की जगह एस, बस कुछ नहीं करना है। मेरे को लग रहा है अब आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया है तो अब बस डरने की जरूरत नहीं है, छोटा सा न्यूमेरिकल और करूंगा मैं, जिससे कि ये सारी चीजें हवा की तरह उड़ जाएंगी, दिमाग में छप जाएंगी। देखिएगा ध्यान से।